हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल येट स्पाइसी शो जिसका नाम है आपका शो बहुत ही अच्छा कर रहा है। नो वंडर वी हैव फोर टैलेंटेड एक्टर्स एंड ग्रेट even great human beings in general. So sweet, yeah. You are also a very nice human being, you know. Oh, thank you. So Pratik, aap mujhe batao, what do you remember from the last time you were on this couch? Can I say something? Yeah. I really want to say something, okay? Before he says anything. तुम्हें याद है last time का सब कुछ? मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं अपना homework करके आती हूँ, ठीक है? So मुझे याद है जब आप और विशाल आए थे यहाँ पे first time और खूब मस्ती और मजे हुए थे। और जब ये ना पता सेट वापस आए थे ना, तो हमको बहुत बता रहे थे, पता हम वहाँ गए, हमने खूब मजे किए, हमने ये किए, नो ब्रो ब्रो ब्रदरहुड एंड ब्रो ब्रो एनर्जी, दे वर लाइक एकदम इधर दोनों थे, इधर पूरा स्पेस खाली था। लेकिन मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ, जैसे बताओ क्या? ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि उस एपिसोड के बाद या उस एपिसोड में आप दोनों की ऐसी कुंडलियां वगैरह मिलाई गई। कुंडलियां मुझे ऐसा कुछ कुछ है नहीं, वो तो हमारा स्क्रिप्टेड था, ये लोग ने स्क्रिप्ट दिया था मुझे और हम लोग यार कितने अच्छे से कवर अप किया है। आई एम सुपर इम्प्रेस्ड यार, थैंक यू, सो कूल। सो इनफैक्ट आई सॉ द वीडियो, बट जोक्स अपार्ट गाइस, इट्स अ फन वीडियो। मैं इतना टेंशन क्यों हो रहा है? मुझे भी टेंशन हो रहा है, मुझे भी ये हो रहा है, सीरियस क्यों हो रहा है? दे लाइक नो वी आर एक्टर्स इन रियल लाइफ, बट आई मीन जोक्स अपार्ट गाइस, आई मीन सबको ये पता है, फैंस को लगेगा यार मैं थोड़ी लव गुरु बनके, मतलब मैंने कहा 100% जब मैं यहाँ पे आऊंगी ना, मैं 100% बताऊंगी कि मेरे दिल की ख्वाहिश क्या है आप दोनों को लेके। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, व्हाट आई वांट टू से वाज, लुक एट दिस रियल वाइफ, आई लव दिस, है ना, सच ओपन लिबरेटेड पर्सन। या टेक हिम, ही इज ऑल योर्स, टेक हिम ऑल योर्स। But what I want to say was that it was a very fun episode. Yeah, yeah. I think we had a lot of fun, like shooting. Yeah, of course. और इतना awkward के बाद जो हम लोग cover up कर रहे हैं। हाँ, film करना पड़ेगा प्रतीक। The show must go on. But no, it was a fun episode. Yeah, of course. I think. हाँ, बहुत मज़े। और मैं बहुत हँसी उस दिन। I think there were two mad people. आज भी हँसोगे प्रतीक? आज भी हँसोगे? Don't worry. So tell me who, how is he as an actor and as a person with you on set? I think he's a very fun person. Yeah. मतलब his aura and his vibe is very good. So in fact जब ये पता है सुबह सुबह आते भी है, which I really like about him. सुबह सुबह इनके room में से ना ऐसे music चल रहा होता है और हमारे जो makeup rooms है ना वो poles apart है. अगर मेरा इधर है तो इनका makeup room first floor में एकदम कोने पे है, लेकिन इनकी music की आवाज़ इतनी loud होती है कि मेरे room तक पहुँच रही होती है सारे पंजाबी गाने सुबह सुबह. But I think it's a very good thing, you know, क्योंकि music से exactly he starts his day with that kind of energy and that kind of vibe. तो ही इज़ अ फन पर्सन टू टॉक टू, मतलब अच्छे से हमारी बातचीत होती है, अच्छी बॉन्डिंग है, टच होता छोटा, एंड प्लस यू नो व्हाइल डूइंग द सीन्स आल्सो ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, तो अच्छे से हम लोग रिहर्स करते हैं बिफोर द सीन, तो वी लाइक अच्छा तुम ये करना मैं ये करूँगा, यू नो लेट्स मेक द सीन इवन मोर बेटर, और क्या कर सकते हैं, यू नो टू गिव आर बेस्ट परफॉर्मेंस. सो बहुत डेडिकेटेड और बहुत पैशनेट है टूवर्ड्स हिज वर्क, विच आई रियली रियली एडमायर अबाउट हिम. I think all four of your everybody on set is very passionate. Everyone wants to just, I don't know, तुम चारों में ऐसा है, अभी तो I
like I, what I've just understood from like brief moment of interaction with you, yes. all of you are very driven, I think. Yeah. And you all have to, something like a drive to like, I don't know, make a mark or something. Yeah, hai wo. Zest in mein, zest hai. And I didn't say anything because it's made me so much tarifi. अभी हम लोग बात कर रहे थे तो इसने मुझे पूछा था कि सिमरन के बारे में कुछ बताना तो मैंने आई थिंक सो एग्जैक्टली क्या बताया यही कि यू नो शी इज वेरी हार्ड वर्किंग वो बिल्कुल कोई मोमेंट नहीं वेस्ट करने जाती लाइक शी विल नॉट वेस्ट अ मोमेंट ऑफ हर टाइम ईदर शी विल वर्क शी इज अ वर्कहोलिक यू सेड एंड देन yeah also if you can only party when you are productive that's what he said also what nahi matlab you would like to go out on a party only if you've had a good productive day matlab yeah वैसे vibe yeah. like that kyunki ye bhi वैसे ही hai that's what he said nice that's what she said thank god someone got me I was like main khud pe joke marti rehti hu main chale jaunga kya keh raha hu तो मुझे बताओ कि सेट खत्म हो जाए बता देना मुझे नहीं नहीं यार तुम चले जाओगे तुम बोर हो जाएगी हाँ। मुझे लग नहीं रहा ऐसा कोशिश करेंगे सो प्रतीक टेल मी नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं है मुझे लेजेंड मुझे पूछना है तू रुक यार बस प्रतीक आई रिमेम्बर यू हैव डन work before to se nena milayke so how has this role been different for you was it difficult for you was it easier for you ye naturally aapme aa raha hai matlab what's working kyunki this show is working a lot I think so what is working what is kya jo roles aap nibha rahe ho wo aapke sath naturally aa rahe hain ki you worked for it or you know mehnat dikh rahi hai what is it show ka to working I think so it's a teamwork aisa kuch nahi hai mere se related hai सभी मेहनत कर रहे हैं सभी काम कर रहे हैं अच्छा सो वो सबको क्रेडिट जा रहा है और पिछले शो की आप बात करोगे तो मेरा कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम था वो भी पॉजिटिव था सुपर पॉजिटिव था उसकी भी भाभी थी उसका भी भाई था और उसकी जो पत्नी थी वो बट ये इधर ये कि वो कम्प्लीटली नेगेटिव थी सिमी इधर नेगेटिव नहीं है ये तो ये सिमी को मेरी इनफैक्ट मेरी माँ बहुत बड़ी फैन है मैंने तुम्हें बताया हाय आंटी इफ यू आर वाचिंग थैंक यू वो देखेंगी सो मैं इसके साथ ना बहुत डिफिकल्ट है परफॉर्म करना एज एन एक्टर बिकॉज मैं हंस देता हूँ मतलब शी इज सो गुड आई डोंट नो अगर किसी ने भी इसके क्लिप्स हमारे शो के आप लोग ने एपिसोड्स देखे कि नहीं देखे क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है हंसिनी का वो थोड़ी सी गाओ टाइप की और बहुत कॉमेडी टाइप का है बेसिकली नेगेटिव नहीं लगता है इसको देख के अगर किसी ने भी देखा है तो आई एम श्योर ऑडियंस को पता होगा नीचे कमेंट्स भी यही आता है कि हंसिनी इज सो फनी ये वो आप अगर जाके पढ़ोगे तो लिटरली ये कमेंट्स है सारे नीचे है ना सो मैं नोटिस करता हूँ सो बहुत बार ऐसा होता है ये बोल दी थी हंसना मत बहुत सच्ची ऐसा होता है पता है कि अभी ये कल परसों भी हुआ था मैं सीन परफॉर्म कर रही हूँ जो कैमरा है ना वो मेरी तरफ है और प्रतीक की बैक है ठीक है तो मैं अपना परफॉर्म कर रही हूँ और ये ना पीछे से इसके ऊपर कैमरा नहीं है तो ही इज दिखाओ ना कैसे हंस रहे थे इतना खतरनाक है मैं रो रही हूँ ठीक है मैं रो रही हूँ उनके सामने हंस एंड मुझे वैसे तो इट्स ओके ठीक है मतलब ही इज एंजॉयिंग द परफॉर्मेंस पर मुझे कि गलती से इसकी हंसी में मैं ना हंस दूं yeah. तो मुझे थोड़ा सा बट देन आई कंट्रोल्ड इन बट या बट ही इज स्वीट बट थैंक यू सो मच लाइक ऑल दैट यू सेड इज सो स्वीट एंड नाइस यही होता है इस शो में सब एक दूसरे की अच्छाई करते बुराई करनी है नहीं स्पाइस चाहिए मुझे मिलता ही नहीं कुछ बुराई करिए एक दूसरे की ताकि मैंने स्पाइस से ये एपिसोड स्टार्ट किया था पर हो नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों के बारे में ना मेरे बारे में नहीं है एनीवेज यू आर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट फॉर सो मेनी इयर्स एंड लाइक नोबिता मैं इन्हें बोल रही थी आई लव्ड दैट शो आई एम श्योर आपको हर दूसरा एक्चुअली एवरीबडी वुड लव that show so how is it like how for 12 years I think kitne yeah, saal I started when I was 9 years old what yeah itni si thi aur nobita bhi uttu sa tha nobita to abhi bhi uttu hi hai main badi ho gayi to aapne kaise matlab was it your natural voice how did you do it nahi yaar kyunki 9 saal ki umr mein kaise pata hoga voice over correct
कोई ट्रेनिंग वगैरह मैंने कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं ले रखी थी नोबिता के लिए. यू नो व्हाट आई रियली फील लाइक व्हाट्स मेंट फॉर यू समहाउ कम्स टू यू. एंड मैंने बहुत ही रैंडमली जाके ऑडिशन दिया. और जब मैं ऑडिशन देने गई ना, यू ऑल्सो मस्ट लिसन टू दिस, तो जब मैं ऑफिस पे गई ऑडिशन देने के लिए, और वहाँ पे ना मैं एक ही आई थी ऑडिशन देने के लिए, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ चलो यार व्हाट्स सो गुड, सिर्फ मुझे बुलाया है नोबिता के ऑडिशन देने के लिए. और मैंने अच्छे से ऑडिशन दिया, मैं चली गई. ठीक है, फिर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन था, सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन था, थर्ड राउंड ऑफ ऑडिशन था, एंड देन आई बिकेम द वॉइस ऑफ नोबिता. लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उसी आवाज़ के लिए, मतलब नोबिता की आवाज़ के लिए, कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे आए थे उस टाइम पर. लेकिन वो ना अलग अलग स्लॉट पे बुलाए गए थे, तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ. लेकिन अलग अलग दिन काफी टाइम से नोबिता के ऑडिशंस चल रहे थे, एंड आउट ऑफ ऑल दोज किड्स, एंड दोज वर ऑल मतलब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह से, एक्टिंग इंस्टीट्यूट से, कुछ अच्छे अच्छे जगह से, मतलब ट्रेंड बच्चे हो. मेरे को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, मैं रैंडमली गई थी. सो या आई गॉट सिलेक्टेड आउट ऑफ लाइक 3-4 लाख माय गॉड चिल्ड्रन. एंड या एंड देन आई बिकेम नोबिता. सो आपका वर्किंग स्केड कैसा था लाइक ग्रोइंग अप? एक्चुअली काफ़ी हेक्टिक था. आई एम श्योर, क्योंकि क्या होता है ना, वेन बिकॉज आई वॉज इन स्कूल एंड यू गो टू स्कूल, तो आप स्कूल जाते हैं, उसके बाद बहुत ना बहुत सारी चीज़ें मैं टाइम मैनेजमेंट करती थी, और बहुत सारी चीज़ें एक दिन में करती थी. चलो स्कूल गई, स्कूल से वापस आई, मैं गाड़ी में ही खाना खा रही हूँ अपना, ठीक है, लंच मेरा कार में होता है, उसके बाद सीधा मैं जा रही हूँ स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वहाँ पर जो भी 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वहाँ से एवरी डे वहाँ से जा रही हूँ. आई डोंट मे बी लाइक अ डांस क्लास, बिकॉज आई वॉज वेरी टैलेंटेड काइंड ऑफ अ किड, यू नो, मल्टी टास्क हु इज गोइंग एवरीवेयर. फिर अपना 1 घंटा डांस क्लास, फिर 1 घंटा ट्यूशन, फिर घर आके 1 घंटा होमवर्क, उसके बाद फिर अगले दिन अगर एग्जाम है तो 2 घंटा पढ़ाई, और फिर खाना खा के सो जाओ. एंड आई शुड रिपीट दिस एवरी डे. बट ट्रस्ट मी तन्वी, जब एक ना सीजन आते हैं डोरेमोन के, जैसे 52 एपिसोड्स है, तो 2-2.5 महीने में खत्म होंगे, फिर 1 महीने का ब्रेक होगा, फिर वापस आपका 2-2.5 महीने का डबिंग स्टार्ट हो जाएगा. जब भी मेरे एग्जाम डोरेमोन की डबिंग के टाइम पर आए हैं, मैंने हमेशा बेटर परफॉर्म किया है, टॉप किया है. Wow. क्योंकि ना जब आपके पास कम टाइम होता है ना, तो आप ज्यादा लेजर फोकस होता है आपका. हाँ, वही जो मतलब अगर मेरा कोई, मैं बहुत फ्री हूँ, मैं घर पे बैठी हुई हूँ, अगर मेरे पास पूरा दिन का टाइम है, लेकिन वर्सेस जहाँ मेरे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, मैं वो 2 घंटे में शायद पूरे दिन की पढ़ाई फोकस के साथ कर रही हूँ. सो आई हैव ऑलवेज लाइक परफॉर्म्ड बेटर इन माय स्कूल अंडर प्रेशर. सो इट्स काइंड ऑफ लाइक वर्कड फॉर मी, यू नो, डोरेमोन, और मे बी इट वाज जस्ट लकी. No, that was amazing. I don't even know. I can't even picture you as Nobita. Now it's such a revolting idea right now. Such a petite person. And like doing Nobita, I can't even imagine. But I think when I take out the voice, then your imagination will come. Can you do it? Little bit. मैं इधर उधर देख रही हूँ. नहीं यार, मेरी तरफ भी देख सकते हो. Okay. ठीक है, तो okay fine. I'm taking out Nobita's voice. वो तो फिक्स्ड है. तुम क्या बनोगे, डोरेमोन, सुनियो, या फिर जियान? जो तुम बोलो. चलो, तुमने ब्लू पढ़ा तो तुम डोरेमोन बन जाओ. मैं डोरेमोन, ठीक है. ठीक है, आप लोग रेडी हो क्या? एवरीबॉडी कम ऑन, शी इज नोबिता इन द सेट. हैव यू गाइस लाइक वॉच डोरेमोन? यस यस यस. ओके, डू यू लाइक नोबिता? यस. ओके फाइन फॉर यू. किसके लिए? भूपेंद्र के लिए. इसके लिए बिल्कुल नहीं. इसके लिए भूपी आपके लिए. इसके लिए मत करना. ओके रेडी. ओके फाइन. सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 गो. हैप्पी न्यू ईयर. डोरेमोन, डोरेमोन, क्या तुम मुझे कोई गैजेट दे सकते हो? डोरेमोन तो मेरे कितने अच्छे दोस्त हो. अगर तुमने मुझे कोई गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे कितना मारेगा? सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा. शिजुका, शिजुका, शिजुका मुझसे बात नहीं करके फिर तो मैं रोऊंगा ना डोरेमोन. अरे वो देखो जियान, जियान मुझे मत मारो, डोरेमोन बचाओ. What just happened right now? मेरी co-actor है. Oh my god. Thanks. Who are you? I am scared right now. मतलब सच इतना talent कूट कूट के भरा हुआ है इस लड़की में. So sweet. That's amazing. और आप क्या कर सकते हैं? मैं सिर्फ लोगों को डांट सकता हूँ. और आप अपना talent दिखाइए. चलिए. टॉपिक बदलो प्लीज. छोटे बच्चे एम्बैरेस फील हो रहा है भाई. टैलेंट पानी दे दो, चिल्लू पर पानी कुछ नहीं है. टैलेंट गाना गा सकते हो तुम? गाना
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. डांस तो यू गाइस डू सो आई नो यू गाइस डांस बट दैट कांट हैपन नाउ. टैलेंट कुछ नहीं है. एक्टिंग कर लेते हो बहुत है. ये ज्यादा है थोड़ा है. इसमें ज्यादा टैलेंट है कोई बात नहीं. ये कॉम्पेंसेट कर रही है हमारी. होना भी चाहिए ना. आई मीन हर कोई सेम लेवल का नहीं हो सकता है. और मैं खुद मानता हूं है इसमें ज्यादा टैलेंट. ऐसा कुछ नहीं है. ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग फन ऑफ यू. डोंट वांट टू गेट. मैं बताती हूं क्या-क्या अच्छे से कर सकते हैं. हां बोलो बोलो बोलो. लेट मी नो क्या-क्या अच्छे से. अबे क्या करता है अच्छे से. प्लीज बताओ सिमरन. वी आर वेरी क्यूरियस राइट नाउ. ए एम आई थिंकिंग द सेम थिंग राइट नाउ. I did not say anything, Tanvi. I'm okay. Okay. मैं बताती हूँ. He can act very well. ये तो सबको पता ही है. I think he is a people's person. He can talk to people very well. It's a talent. It's a talent. I know. नहीं मुझे खुद पे हंसी आ रही है. ये कितना बड़ा टैलेंट है. देखो कम्युनिकेशन इज अ यू नो योर एंकरिंग फॉर दिस. यू कैन अंडरस्टैंड इट्स लाइक इंपॉर्टेंट. इट्स बिग. इट्स ह्यूज. यू शुड एंकर. वी ऑल विद प्रतीक. स्पाइसर विद प्रतीक. या श्योर. फिर ओ वो माय डेड बॉडी. और नो बट आई मीन ही इज अ पीपल्स पर्सन. आई थिंक ही कैन रियली इंटरैक्ट विद पीपल बहुत अच्छे से. मैं भी सोच रही हूँ. सॉरी. ही इज वेरी आर्टिकुलेट. या ही इज वेरी आर्टिकुलेट. एंड ही यू नो ही इज अ वेरी क्विक लर्नर. आई वुड रादर से. एंड ही हैज दिस. कुछ लोगों में ना वो होता है कि यार मुझे सीखना है, मुझे करना है. और वो कर भी लेते हैं आफ्टर दैट. सो ही इज ऑफकोर्स एक वो डेडिकेशन तो है ही. लेकिन तुम मत बोलो. मेरी ये वो है आपके लिए. मैंने सोचा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आप ये जरूर करेंगे एक दिन. सो आई टेल यू व्हाट यू नो ही कुड लाइक इनिशियली व्हेन हम आई एल स्पीक इन हिंदी. हम जब रील्स वगैरह करते थे तो मैंने इनको कहा था कि चलो डांस वाली रील बनाता है. बिकॉज मेरे को तो मतलब डांसिंग वांसिंग का बहुत शौक है. ठीक है यार. नहीं नहीं यार मैं पता नहीं डांस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. एंड ट्रस्ट मी तन्वी हम लोग ने दो मुझे लगा हो सकता है डांसर नहीं होगा. कोई बात नहीं देखते हैं. वील अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस या वील वर्क हार्ड. मैंने एक बार स्टेप बताया एंड ही पिक्ड अप सो वेल एंड सो क्विक. ये भी तो हो सकता है तुमने सिखाया अच्छे से मुझे. बहुत अच्छे से. यू नो अच्छा है इससे तुम्हारा चल रहा है. तुम्हारा अच्छा है. केमिस्ट्री चल रहा है. हां दैट्स व्हाई इट्स वर्किंग गुड. या यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. या या यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेरी वेल. और भी दो चार चीजें थी बट मैं बोलूंगी नहीं. बोल ना. से इट नाउ सिमरन. कम ऑन से इट. क्या बोलेगा. से या से व्हाट. से व्हाट. That's what she said. Anyway, moving on, guys. Yeah. Moving on. So, where are you from, Simran? Where are you? I'm from Delhi. अच्छा, from Delhi. तो ये जो studio था वो Delhi में आपने किया था shoot. Okay. और आपको acting का कब से था कीड़ा? बचपन से. Okay. मतलब मुझे पता था. मतलब मैं चाहती थी कि मैं बड़ी होके actress बनूँ. अच्छा, so, that was always there. Yeah. मैं अपनी favorite हूँ. वैसा आपका था. So who's yeah. Like who's किसी का तो जीन होता है ना इन द फैमिली. आई डोंट नो. मैं मानती हूँ ऐसे कि ऑल ऑफ अस हैव दिस. आप किसी के ऊपर जाते हो. जैसे माय मॉम वांटेड टू बी एन एक्टर सो शी सॉर्ट ऑफ यू नो थॉट दैट फॉर मी. सो आई गॉट दैट फ्रॉम हर. आपके इसमें ऐसा कुछ था फैमिली में. एक्चुअली मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई एक्टर नहीं है. माय मदर. यू टॉक अबाउट योर मदर. माय मदर इज अ डॉक्टर. या सब ऐसे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं. एंड आई वाज आल्सो लाइक गुड इन स्टडीज. सो दे वर लाइक यार इफ यू आई थिंक ऐसा जो यू नो ऐसा लगता है लोगों को विच इज़ सच अ मिसकंसेप्शन. सो कि मतलब अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो आप एक्टर बन जाओ. ये कितनी गलत बात है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक यू नो इवन माई फैमिली एक नॉर्मल घर में जैसे जो नॉर्मल यू नो वे फ्रॉम अ जो मैं नॉर्मल बोल रही हूँ कि जैसे जो आम लोग होते हैं ठीक है तो उनको ऐसा लगता है कि चलो यार अगर ये पढ़ाई में अगर आप अच्छे हो तो चलो आप डॉक्टर बन जाओ या आप इंजीनियर बन जाओ या फिर यू नो डू समथिंग इन दोज फील्ड्स. बट आई रियली फील दैट यू शुड लिसन टू योर हार्ट.
And that's what I did. Yeah. So my parents were like, "Arey, yaar, you're so good in studies. Why don't you also become a doctor?" I'm like, even if I'm good in studies, good. That thing will help me in becoming an actor. Because trust me, and you know, he can also say like that. जब आप actor होते हो, कितना दिमाग लगता है. सही में आपको जैसे चार-चार, पांच-पांच pages की script पकड़ा दी जाती है, और आपको झटपट याद करके जाना होता है, और आपका characterization कैसा होगा? So ऐसा, I think all the actors are very, very intelligent people. Yeah. If they're able to pull off their roles. For sure. Yeah. Exactly. I think so. मुझे तो पढ़ाई acting में बहुत help कर रही है बहुत ज्यादा. और आप तो इंजीनियर हो ना? नहीं, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? ओ नहीं, मतलब नॉर्मली आपने किस में पढ़ाई की है? मुड़ाई मैंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. ओ याद रखना याद मतलब नॉर्मली याद रखना याद रखना मतलब मैं नॉर्मली how are you handling this प्रतीक मैं चुप चुप दिख रहा हूँ ना बस हाँ लेकिन पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है. For sure, like I think पढ़ाई से ज़्यादा thinking मुझे लगता है thinking brain important है. As long as you're thinking पढ़ाई भले वो पढ़ाई में हो नहीं हो acting में हो it's not only with the acting thing. I think so पढ़ाई हर जगह काम आती है मुझे लगता है. और that's true. हाँ या यार मैं जैसे ही कुछ बोलती हूँ बंदा चुप हो जाता है. ये क्या बात होती है? तुम्हें सुनना ये जो बातें कर He's a people's person. He can talk very well with people and he can make good friends. Why are you being such a diplomat right now? I don't understand. तुम्हारा क्या problem है? मेरा ही है ना problem. मैं तो concerned. तुम पहले लड़ लो. मैं बैठ जाती हूँ. मैं wait करती हूँ. पर लड़ लो guys. We'll wait. ठीक है. Anyways, moving on. Where? मेरे questions हैं. बहुत सारे. बेचारी उसके बेट कहाँ फंसी है? I have to cover these questions. Oof. Really now. Interesting. आपने बोला हाँ, so you I think my are one of our writers. She's our new writer. Please huge round of applause for. हमें कहीं मिले हैं क्या? पूर्वा today. तुम्हारे फेम. No, आज first time. It's her first day today. And उन्होंने आज एक दिन में बहुत सारे लोगों को research कर लिया. So it's a great. She's a great doctor. She runs a clinic. Oh. So good. Nice. So she has done all the research, लेकिन मैंने point camera चालू है अभी भी हाँ तो उनको भी लाऊँ ना but very very आओ just say hi and go नहीं वो light नहीं बच गया है we'll show you her face in जगह तो उसी ने बोला प्रत्येक मतलब ऐसे ऑडियंस से लगे किससे बात कर रहे हैं तुम्हारा पति सबका पति होना चाहता है एक काय का पति मैं बोला ऑडियंस से लगे किससे बात ऑडियंस को भी तो दिखना चाहिए ना किससे बात कर रहे हैं हाँ नाम बदनाम कर रही है देखो तुम तो अभी शो करके निकल लोगी मुझे वापस उसे कल मिलना है सॉरी मुझे मतलब मुझे भी मिलना है तो मैंने सुना मतलब तुमने कहीं तो ये स्टेटमेंट दिया था कि यू विल नेवर डू अ बोल्ड सीन इज व्हाट आई हैव रेड या सो व्हाट इज योर रीजनिंग बिहाइंड इट मतलब क्या है आपका लॉजिक या रीजन लॉजिक कुछ नहीं आई थिंक सो मैं वो कम्फर्ट लेवल मेरा उतना नहीं है बस इतनी सी बात है आई थिंक सो कुछ ये मैं इस चीज़ को जज नहीं करता हूँ आई थिंक सो जो जिसके लिए कम्फर्टेबल है वो कम्फर्टेबल है आई थिंक सो आई एम नॉट कम्फर्टेबल राइट नाउ फ्यूचर का मुझे नहीं पता सी मे बी आई डोंट नो बट राइट नाउ आई एम नॉट कम्फर्टेबल I'll take your word for it. और आप मैं और एक और reason भी है sorry मैं interrupt करूँ मैं basically वो हर एक चीज करना चाहता हूँ जो मैं अपने parents को दिखा पाऊँ उनके साथ बैठ के देख पाऊँ so शायद मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो भी actors करते हैं I'm sure वो भी best ही करते होंगे but सबके अपने choices होते हैं तो ये मेरे शायद no I just wanted to ask like just because I thought कि if I didn't read it properly or whatever, but yeah, I just wanted to clear that up. Yeah. And what about you? आपका ऐसा होता है कि you will not do specific roles
would you ever do a character role? Would you ever do an episodic? Would you ever do negative? Would you ever? I have been very experimental in my choices. Tose Naina Milayke ke pehle bhi I've done 3 TV shows and all have been lead, main lead characters. So, जैसे इससे पहले जो मैंने हंसनी के पहले मैंने किया वो अग्निफेरा किया अघोरी किया अगर तुम ना होते तुम्हारी जिंदगी में ए बहुत लकी है क्या एक्चुअली समहाउ लाइक अग्निफेरा अघोरी अगर तुम ना होते समहाउ सब बैक टू बैक ए ए ए से ही हो रहा था और ए एंड जी भी है maybe date a guy जिसके नाम में T और A दोनों होगा है ना it makes sense touch wood so yeah talking about my role and role choices अग्नि के नाम में मैं यहाँ बात कर I'm saying हाँ you were अग्नि हाँ अग्नि फेरा में my character name was सृष्टि and she was a very भोला भाला girl lawyer थी और साथ में एकदम जैसे कहते हैं ना सीधी साधी लड़की like a typical डेली सोप गर्ल हु इज ऑलवेज राइट एंड हु ऑलवेज डज राइट बाय पीपल एंड बाय हरसेल्फ एंड राइट नाउ आई एम डूइंग हंसनी एंड यू नो शी हैज सो मेनी शेड्स टू हर जैसे आप यहाँ पे स्पाइस इट अप विद तन्वी कर रहे हो ना शो में और होता है स्पाइस इट अप विद हंसनी तो शी इज लाइक दिस हाउ यू नीड स्पाइस इन लाइफ तो शी इज लाइक दिस मिर्च मसाला ऑफ द शो इज वेरी तड़कता भड़कता और आपको ऐसे मेरे को देख के लग नहीं रहा लग शायद रहा होगा या नहीं रहा होगा आई डोंट नो बट मैं एकदम जैसे कहते हैं ना टिपिकल देसी भोजपुरी थोड़ा आपको आइडिया दिला नो आफ्टर नो आई हैव सीन योर क्लिप्स सो आई या 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 एंड आल्सो आफ्टर योर वॉइस ओवर आई नो यू कैन डू एनीथिंग विद योर वॉइस बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट अब बहुत बहुत शुक्रिया हम मोटे पुल लग रहे हैं ना बोल दीजिए हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे बताइए ना इनको माय गॉड लुक एट चलता फिरता है ये तो तुम बस सोचो ये जिस हिसाब से करती है किसे हंसी आ जाएगी इट्स वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट इतना ज्यादा बोलेंगे तो हम कहीं से बर्दाश्त कर पाएंगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इसको फिर हमको निकलना पड़ेगा यहाँ से तन्वी मैडम कितनी सुंदर लग रही है अब बिठाए चक्कर बोलो ना अभी क्या भी कर देंगे बहुत मजा आएगा चलो मजा सो गुड ललन टॉप थैंक यू ललन व्हाट इज ललन टॉप व्हाट इज इट ललन टॉप का मतलब हम आपको कैसे बताएंगे ललन टॉप मतलब आई टॉप इस क्लास ओके समझ गए आप समझ गए मुझे आप फिर से समझाएं नहीं 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 समझ गए इंटेलिजेंट है कि मैं समझ जाती है वाओ यार इंप्रोव आल्सो यू आर डूइंग समथिंग ऑफ दैट जोन सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक I like to do different roles stuff for sure. Because it's very interesting. मैं खुद entertain रहती हूँ. I am a very energetic kind of a person. तो मुझे I'm very bubbly. Kareena Kapoor fan. So हाँ पता है मैं कल परसों ही वो देख रही थी. Poo. So yeah, I mean, Hansini is actually inspired by Poo also. अच्छा. She's like this desi Poo. Poo. Oh, wow. Never somehow. Heard of that. But that's a great, great reference somehow. Now. Yeah. Interesting. We'll take a short break and then we'll delve into your personal lives. Let's take a short break. They'll drink their teas. You can drink whatever you have. And be back in like 2 minutes. Bye. Hi, welcome back. Even though hum aisa koi bada break to lete hai nahi aur ye koi TV commercial bhi nahi, but I like to take breaks. I don't know. It's just a good reset. So let me talk about your personal lives. Are we ready? Yes. So have you met his girlfriend? Kaun? कौन सी वाली इज अ गुड क्वेश्चन अभी रीसेंट वाली जो अभी थी नहीं नहीं भाई कौन सी वाली आई मीन दैट आई एम श्योर ही मस्ट हैव हैड गर्लफ्रेंड्स सो मेनी स्कूल में होगी कॉलेज में होगी फिर कहीं सेट पे होगी पिछले सेट पे कहीं होगी तो मतलब मुझे नहीं पता ना कौन सी वाली की बात करूं एंड यू डू नॉट इवन स्पेसिफाई नो बट आई हैव नॉट मेट एनी ऑफ हिज गर्लफ्रेंड्स हैव यू मेट कौन सा वाला आई नो ऑफ कोर्स यू हैव टू से दैट यू कैन लाइक कम अप विद अ न्यू आंसर मतलब वही स्कूल में भी होता है कॉलेज में भी होता है तो कौन नहीं यार स्कूल वाला नहीं मैं किसी से नहीं मिला ओके सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन लव बोथ एंड लाइक डू यू बिलीव प्यार एक दोस्ती है प्यार दोस्ती है शाहरुख खान कुछ कुछ होता है और आप मैम मेरे ख्याल से प्यार को कभी डिफाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो प्यार डिफाइन हो गया वो प्यार ही क्या उफ भाई डू यू बिलीव डीप यू नीड अ लाइफ जैकेट
नहीं पर डू यू बिलीव इन लव? यस 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 ऑफ कोर्स आई बिलीव इन लव एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि द पर्सन शुड बी ब्यूटिफुल इन साइड आउट. इट्स नॉट दैट आई मीन आई विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद अ पर्सन हु इज ब्यूटिफुल फ्रॉम द हार्ट एंड यू नो इफ लाइक वी हैव गुड बॉन्डिंग एंड इफ हिज नेचर इज गुड इफ यू आर हैविंग लाइक गुड कॉन्वर्सेशंस आई थिंक दैट्स ऑल इज नीडेड फॉर लव. सो व्हाट अबाउट यू? प्यार दोस्ती है. प्यार दोस्ती है. उसके आगे 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 पैराग्राफ टू. आई थिंक सो ओवरऑल होता है प्यार बट उसका जैसे इसने बोला कि उसको डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज डिफाइन करे तो आई थिंक सो इट्स ऑल अबाउट द वाइब. जब आप किसी है, से, किसी के साथ वो वाइब वैसा कुछ अलग हिट करता है सो मे बी स्टार्ट उधर से होता है फिर वो एंड अप डिपेंड करता है कि कितना डीप है. यार मैंने सुना है कि जो लोग पहले फ्रेंड्स होते हैं लाइक फ्रेंड्स फॉर रियली लॉन्ग टाइम एंड देन दे सॉर्ट ऑफ नेचुरली गो टूवर्ड्स लव उनकी रिलेशनशिप बहुत सॉलिड होती है. डू यू बिलीव इन लाइक बींग फ्रेंड्स विद द पर्सन फर्स्ट विदाउट द इंटेंशन ऑफ एवर डेटिंग एंड देन सॉर्ट ऑफ फॉलिंग इन लव? ऑनेस्टली मेरे आई थिंक सो लव एट फर्स्ट साइट होता है. अगर ये इतना दोस्ती वाला जोन करके फिर वो प्यार तो यार बड़ी फिर वो वैसा फीलिंग आ जाता है क्योंकि अगर वो पहले ही नहीं आया तो वो बाद में क्या आएगा. या तो मेरे को लगता है उनके पास चॉइस नहीं होते होंगे भाई तू भी तेरा भी दिल टूटा है मेरा भी टूटा है हम लोग अच्छे दोस्त कर लेते हैं टू मच ऑनेस्टी. सो ये होता होगा बट हां मेरे लिए तो आई थिंक सो लव एट फर्स्ट साइट हो जाओ. वाओ फिर उसके हां वो होता है. दैट्स अमेजिंग. मैं बहुत दिनों बाद सुन रही हूं लव एट फर्स्ट साइट कोई बिलीव करता है. आई थिंक सो मेरे लिए वही होता है. वाओ मैंने ना एक डायलॉग कहीं पे बिकॉज यार मेरी आदत है जब भी कुछ होता है ना तो मैं किसी मूवी का डायलॉग मूवी का रेफरेंस बोल देती हूँ. तो किसी मूवी में ऐसा था कि फॉर एग्जांपल सामने लड़का है तो वो कहती है कि मतलब लड़की कहती है उसको तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हो ना तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया या मैं वापस घूम कर आऊं? या व्हाट वाज दैट फिल्म? आई थिंक मुझे बहुत चीज़ी लगता है उसे लेकिन नहीं मारता. And you don't like cheese? No, I love cheese. Do you like cheese? Do you like cheese, Simran? Since we're talking about cheese. Huh? I like your dress. Thank you. I do too. Anyways, have you had your hearts broken yet? Has that happened? बताओ. Tattoo? Oh, वो tattoo बनवा दिया लड़को. नहीं मैं बोल रहा कुछ ऐसा tattoo बना है क्या मैं पूछ रहा हूँ. मेरी बॉडी पे तो एक टैटू नहीं है. प्लीज टॉकिंग अबाउट वाज ही अ टैटू आर्टिस्ट? नो ओके ओके नो 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 आई डोंट नो 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 नहीं मेरा कभी दिल तो टूटा नहीं है यार. व्हाट? दिल तोड़ा है. दिल तोड़ा गया है टूटा नहीं है. शी इज वन ऑफ दोस. वन ऑफ दोस मतलब जिनका दिल नहीं टूटा है. जिस हिसाब से इन्होंने डिफरेंस किया ना शी इज वन ऑफ दोस. नहीं यार आई डोंट थिंक अभी तक तो दिल टूटा है. मैं ना जॉली भगवान जी प्लीज ऐसी मुझे दिल ही तोड़ना अपना ना टूटना ना किसी का तोड़ना. सो यू वर यू नेवर इन अ रिलेशनशिप? यार आई डोंट बिलीव इन ब्रेकिंग हार्ट्स और गेटिंग माई हार्ट ब्रोकन. वाई? मतलब जब हंसते खेलते बिकॉज आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं किसी का भी ना मतलब मुझे ऐसा मुझे डर लगता है अगर मैं आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन ऑल्सो यू नो. या सो आई कांट लाइक से समथिंग विच विल हर्ट द अदर पर्सन. तो फिर आप ब्रेकअप कैसे करते हो विदाउट हर्टिंग? नो आई टीच मी इल कम इन हैंडी यार. How do you break up without hurting or without being hurt? आप अपना बताओ ना पर्सनल लाइफ. आपका क्या कुछ सीन? आप तो आपके बारे में शो और इनके बारे में शो. मैं आप पर भी आऊंगी सर रुकिए. No, because how do you do? Like I'm sure आपने कुछ तो डिवाइस किया है. आपने फॉर्मुलेट सम मेडिसिन लाइक यू हैव.
नहीं यार, आई मीन आई थिंक इफ यू बी ट्रू विद योर फीलिंग्स, मतलब जो भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बिकॉज इफ यू नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप इट्स बेटर टू से दैट यू नॉट हैप्पी. आप उसी को मतलब आप खुश नहीं हैं दो तीन साल, अब बस ऐसे आप नाटक करके फेक आप बोलेंगे कि हाँ मैं खुश हूँ या सामने वाला भी, और आई थिंक इफ वन पर्सन इज नॉट हैप्पी सामने वाला हैप्पी हो ही नहीं सकता. सो फिर आप दो तीन साल ऐसे ही मतलब एक दूसरे को झूठ बोलते रहेंगे, उससे अच्छा है कि आप एमिकेबली लाइक फ्रेंड्स एंड लाइक मैच्योर पीपल आप बताएं आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, एंड उससे आई थिंक दोनों का भला होगा और दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे. सो अगर ये थॉट सामने वाले को, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इसके लिए डिवाइस नहीं होता है, जो दिल में है वो बस जुबान पे होना चाहिए. Just be true with your feelings. Difficult, you know, sometimes, but I find it very difficult. Anyways, have you had your heart broken? Never. मैं really? मैं relationship में रहा ही नहीं हूँ. क्या बकवास कर रहे हो? प्रतीक, we are not stupid. अरे what rubbish? But नहीं हुआ तो नहीं. Never had a heart. But मैं relationship में. तुम दोनों कौन से planet से आ रहे हो? हम कहाँ से आ रहे हैं? छुपे हुए दिल. नायगांव से. नायगांव में. मेरा प्लान है सीधा शादी करूंगा, तब देखते हैं दिल टूटता है क्या होता है. ओ मामा, ओ माँ, तभी तो पिछले एपिसोड से आपसे कुंडली मंगवाई. नहीं मंगवाई कुंडली सिमरन, ये सारी अफवाहें हैं जो पता नहीं. कुंडली का मंगवाई तुमने प्रतीक? मेरे को तो कुंडली का समझ ही नहीं आ रहा क्या. देखा मंगवानी चाहिए थी प्रतीक. व्हाट इज दिस? तुमने कहा था यार, ये तो बातें करके भूल जाता है. अच्छा ये ना, हां ये मेरा बादा ऑफ स्क्रीन में इसको यही बोल रहा था. ये भूल जाता है सिमरन, ये तुम्हारे साथ भी ऐसे करता है. नहीं इसके साथ नहीं. ना ना ना, देखा मेरे साथ ही ऐसी चीजें हैं. बेवफाई टाइप्स. पूछो आरू को. पूछो आरू को. क्या पूछूं? देखा कुंडली उंडली किया था ना लास्ट एपिसोड में. लास्ट एपिसोड में किया था ना इसने. मैंने तो जो देखा हाँ, वो बता जो देखा, रही हूँ. बड़ा मतलब बोल रहा था मैं कि मारवाड़ी सिमरन, अगर सब पता है मारवाड़ी मारवाड़ी हाँ, से बोला हाँ, ना इसने स्टार्ट किया था. इसने किया था. मैंने तो एपिसोड देखा. आई लव स्पाइसी नफतंगी. मैं वाओ ग्रेट ग्रेट इंसर्ट. बट इसने मैसेज नहीं किया था मुझे. अच्छा नंबर एक्सचेंज हो चुके हैं. ऑफ कोर्स तभी हो गए थे. नंबर इसने लिया हाँ, बट कभी इसने मेरे को मैसेज कॉल कुछ किया ही नहीं. चलो कोई बात नहीं, लड़की शर्माती है इतराती है तो कर देना, मैं कल कराती हूँ. थैंक यू, सच अ ग्रेट वाइफ. एवरी मैन स्क्रीन वाइफ सच अ ग्रेट रील वाइफ. यस, एंड विद दैट विल टेक छोटू सा ब्रेक एंड विल प्ले अ स्मॉल गेम आफ्टरवर्ड. ओके, वन थिंग यू ऑलवेज कैरी विद योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम योर फोन, तुरंत यू वॉलेट. Smile. Good answer. Creative answer. Let's creative answer. Okay. Quickly Dimple. Propose in Nobita's voice. Like propose him. Shizuka, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. Shizuka, तू मेरी Shizuka, मैं तेरा Nobita. मुझे तुमसे मिलना, मेरे को नहीं पता. वैसे मुझे propose नहीं किया Shizuka. Shizuka, no. Shizuka ही हूँ ना. मैं हूँ. Okay. Yes. In Nobita's voice, but like, okay, ठीक है. ये सारे तुम्हें रटे हुए हैं कि तुम ऐसे बोल देती हो, आते आ जाता है. मैं चलती फिरती गालिब हूँ. चलती फिरती गालिब. Okay, you have to propose to her in your own प्रतीक way. प्रतीक way. प्रतीक way. और संजीव. प्रतीक. हाँ. सिमी. Yeah. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. Okay, thank you. Okay, thank you. She said, okay, thank you. Next time. हाँ नहीं बोला तुमने. ऐसा करोगी? मैंने नोबिता को हाँ बोला ना. मैं नहीं कर रहा हूँ इसे. ओके, थ्री वर्ड्स फॉर प्रतीक क्विकली. थ्री एडजेक्टिव्स. पहले मनाने दो यार, कब सेट पे मिलना है. हाँ बोलो. तीन. क्या बोल रही थी मैं? ये हम मना रहे दूसरी को, तेरे पास सेट पे वैसे बोलते हैं. क्यों? मैं बाद में बताऊंगी आप सेट में कैसे बातें करते हैं. अभी कर लो एक्चुअली. अभी इन द मूड है, चल ही रहा है तो. हाउ डू यू से? यू से समथिंग ना. अली केचे ये तो तुम तुम्हारी आदत. तो ये बेसिकली इसकी आदत है जो मुझे लगी है सेट पे. क्या इसकी एक आदत रहती है? चलो 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 जल्दी करो. तो मैं भी करता रहता हूं इसके साथ. चलो 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 जल्दी चलो. अच्छे से करो जैसे करते हो सेट पे. ऐसे ही करता हूँ. नहीं ऐसे नहीं करते हो तुम, बेटर करते हो फॉर श्योर. इवन आई कैन से दिस. डू इट. चलो चलो चलो. खाना खाया नहीं खाया. यार मैं कोई सेट पर जाना, मैं नायगांव जाऊंगी. अरु ये देख
देखने लेकिन वापस से लौट नहीं पाओगे क्यों क्यों तुम्हारा है ना क्योंकि हम लोग जाते हैं बहुत मुश्किल से लौट कोई ना सिर्फ तुम्हारे लिए नायगांव को यहाँ ले आएंगे लेके आ गए ना चलता फिरता गालिब फॉर श्योर ओके वन को-एक्टर वुड दैट ही वुड लाइक टू डेट एंड वन को-एक्टर दैट शी'ड लाइक टू डेट नॉट अ को-एक्टर एक्चुअली जस्ट एन एक्टर आई थिंक सो शी लव्स रणबीर कपूर नो नो सम नो नॉट लाइक जो हम जानते हैं अच्छा ओके हाँ मैं उन्हें जानता हूँ वो मुझे नहीं जानते रणबीर सॉरी आई डिडंट मीन इट दैट ठीक है रण अब एप्लीकेबल है ओके नो प्रॉब्लम रणबीर कपूर ओके इज दैट करेक्ट या आई रियली लाइक रणबीर कपूर रणबीर कपूर रणवीर सिंह एक ही पूछा था नहीं अच्छा तुमको और बोलना है बोलो नो तो मैं क्वेश्चन थोड़ा कर दे जैसे करण जोहर करते हैं ना वन शुड लाइक टू डेट वन शुड लाइक टू मैरी एंड वन शुड लाइक टू ओह गॉड Yep. Stab. Kill. Stab. Yeah. Kill. Oh. तो शादी तो बोल दिया रणबीर कपूर. रणबीर कपूर. Date. Date. रणबीर सिंह. Uh-huh. And kill. 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 बोलना. हाँ थोड़ा. I will not kill anybody. हाँ exactly. मुझे नहीं लगता है. I don't think she'll kill anyone. Yeah, yeah. So I think so. मैं correct ना तीनों. Yeah, yeah. Totally. Same with him. ऐसे लुक क्या देती है भाई हर चीज में मैं डर जाता हूँ क्या है क्या क्या बोलेगी क्या है मैं बोला था कुछ नहीं हाँ बोल दे one he'd like to date one he'd like to marry and one he'd like to kill come on quickly rapid fire guys come on oh yeah rapid fire मैं भी जीत रहा हूँ ना मेरा है मतलब तो फिर मैं क्या खेलवा गई बोल let me concentrate One co-actor, he'd like to date, marry, kill. मुझे भी आज ही पता चलेगा भाई देव. Come on, quickly. Yeah. It's good lord. He really likes Alia Bhatt. He really likes Kiara Advani. He really likes. But I don't care about who he likes. Who would like to date and who would like to marry? Okay, fine. He'd like to date. I feel. रैपिड फायर नहीं हो रहा है ये लॉन्ग आंसर फॉर्मेट हो रहा है ही लाइक टू डेट आलिया भट्ट ही लाइक टू मैरी कियारा आडवाणी एंड ही लाइक टू किल नोबडी या सच नाइस पीपल यू ऑल आर ये दोनों मैं कैंसिल कर रही हूं क्वेश्चन है ही नहीं ये दिस इज जस्ट रॉन्ग ए मैं जीत गया था मैं ये कुछ नहीं ये गलत है ओके फेवरेट फिल्म क्विकली अबाउट इसकी फेवरेट फिल्म कौन सी तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी यू हैव टू गेस ओके इनकी फेवरेट फिल्म बाजीगर शाहरुख खान कोई बाजीगर नहीं कुछ भी रैंडम नहीं बोल हां तो कुछ भी बाजीगर कुछ शाहरुख खान फिल्म में चेज ही लाइक ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं बोली कौन सी आलिया भट्ट ये सब भी रैंडम बोला है तो यू डोंट लाइक इट्स लाइक मतलब पसंद है सब पसंद है आलिया भट्ट आई लव यू बट यू डू नॉट लाइक टू डेट हर सी कंगना आई थिंक सो एज एज एन एक्टर या कंगना ओके मैरी बट ये सवाल हो चुका था ये तो मुझे तो नहीं जाना वापस पूछो वो एंकर है कुछ भी कर सकती है मैरी थैंक्स सिमरन ऐसा ऐसा अभी तक तन्वी मल्हार मल्हार रा यू डोंट इवन नो माय नेम तन्वी मल्हार रा मल्हार रा मारा मल्हार रा ओह गुड लॉर्ड ठीक है एनीवेज एंड किल मुझे क्यों देख रहा है अरे देख नहीं रहा मैं बड़ा हेल्प मी रैपिड फायर नहीं हो रहा है अब मैं ए लेकिन ये मेरा रैपिड फायर नहीं था इसके बाद वाला ये सिर्फ मैंने मूवी मैंने कर बट ये था ही नहीं ये तो कहां से आया बीच में गुस्सा मैं क्यों नहीं पूछ सकती ये तो तुम मुझसे मेरा ही सवाल पूछ रही हो क्योंकि इससे गलत बोला ना तुमने बोला तो ये लेकिन हम आगे बढ़ गए थे नहीं मैं नहीं बढ़ी हूं ना मेरा शो है लाइक शी सेड या मेरा तेरा और है एनीवेज यार मैं हां तो अभी नहीं कुछ नहीं तुम लोग सब बेकार कर रहे हो मैं एकदम ये टाई ब्रेकर अभी क्वेश्चन है चलो चलो टाई ब्रेकर क्वेश्चन हट नहीं जीत रहे हो नहीं 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 ओके या नेम द शोस दैट ही इज डन सो फार सिंदूर की कीमत एंड तो से नैना मिला के इज शी करेक्ट ओह यार 50% डेविल से शादी आल्सो मतलब इट्स नॉट अ टीवी सीरियल बट इट्स अ शो मतलब यू टॉक जस्ट टॉकिंग अबाउट टीवी और व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट टीवी टीवी ओनली बट आई टीवी तो बहुत डिफिकल्ट है कम ऑन
बिकॉज उसने खुद बता दिया ना टीवी शोज के नाम, तो कुछ और पूछो ना, कुछ और पूछो उनके. ये टाई ब्रेकर था विच आई हैव वन. इनके पेरेंट्स का नाम बता दो. वाओ क्या पूछ, पेरेंट्स का नाम. डू यू नो हिज पेरेंट्स नेम. अभी यू नो ईच अदर, टेल देम. देव नारायण चंदेल. देव, देव. ओके, पापा का नाम. हाँ, पापा का नाम. ये शो के पापा का नाम. तो अरे भाई वही याद रखो. ये गलत सच ए क्यूटी ना. हाँ, तो देव नारायण जी का ना क्या है. बहुत खराब करा. ये और नहीं, जस्ट गिव मी ये और नहीं. ठीक है, रेडी. ओके, कैजुअल रिलेशनशिप्स, ये और नहीं. सिचुएशनशिप्स, ये और नहीं. ऑनलाइन डेटिंग, ये और नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. मैंने कभी ऑनलाइन, आई थिंक सो ऑनलाइन तो कुछ भी हो सकता है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो व्हाई नहीं. आई मीन लोग जहाँ भी मिले वो ये. हाँ, मतलब अगर जेन्युइन है तो व्हाई नॉट. मुझे बट आमने सामने ज्यादा फील आती है, मतलब इफ आई नो द पर्सन की. हाँ, मतलब वाइब ऑफ द पर्सन. बट या ऑनलाइन इज ऑल्सो तुमको लंबी लड़की. Yeah. Mm-hmm. Okay. Good. Good. Very good. Good answers, you guys. Open relationships. No. Both of you all know. No. Mm-hmm. Oh, okay. Casual. Though I think so. That. So. वो तो पहला similar ही होगा ना. नहीं मतलब open में ऐसा होता है कि you both are still dating each other. But you can also let other people. Casual में it's not like. No. जो मेरा है वो मेरा है. जो तेरा है वो तेरा. Intimacy. During the first three dates, like, nee. Is it okay? No, 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 you take your own time to like, sort of. Yeah, I think time should be taken. Okay, you? Depends. I mean, हाँ, ये no, सब no, चीज़ें it's a good thing. No, you're being honest. Like, ये सब हम judge ही नहीं, मतलब पहले से इतना pre-plan नहीं कर सकते, right? ये सब चीज़ तो I think so vibe के साथ से जाता है. For sure. कैसा, क्या है, कितना connected हो आप. जैसे मैंने बोला, मिले तो love at first sight भी बहुत matter करता है. और मेरा वही होता है. तो कुछ भी बोल नहीं सकते यार. या दस कास्टिंग काउच एग्जिस्ट ये और ने इन आर इंडस्ट्री. सी आई टेल यू व्हाट आई हैव हर्ड, लाइक यू नो यू हियर रूमर्स, यू हियर स्टोरीज, बट यू डोंट नो वेदर दैट्स ट्रू और नॉट, बिकॉज यू कांट. हाउ वुड वी नो, यू नो, वी हर्ड रूमर्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट रूमर्स आर true, not true, who knows. Yeah, so you've never experienced casting couch? Never. Touch wood. Never. You? No. Yeah, ladko ke saath bhi is what I've heard, but I've never, yeah, me neither. I've never experienced it, but like, thank God, touch wood for that. Yeah. Child actors, ye or ne? Yeah, like, yeah. Ne, matlab, not like acting ability wise. I'm saying ki for them to be in this profession at such a young age, that for ye or ne? Middle. Okay, it's not ye, it's not ne. Provided, I'll tell you what, child actors, you know, you get that popularity and you do such great work, you showcase your talent, that's ye. Provided you don't leave your school. Yeah. Aap school mat chhodiye, school ke saath saath, you know, as an extracurricular activity, if you're working somewhere, I think that's a big time ye. But if you've left your schooling and stuff like that, I think schooling is basic. Important. ये मुझे बस चाइल्ड एक्टर का एक चीज़ थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है. ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है, मतलब आई डोंट नो, शायद मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर वो बड़े होते होते उनका शायद पैशन थोड़ा, मतलब सभी एक्टर्स के साथ नहीं, बट बहुत ज़्यादा वो वही बचपन से वो देख रहे, तो उनको वो, मेरे को लगता है वो, जितने भी मैंने चाइल्ड एक्टर्स देखे, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि वो शायद उनका पैशन या वो चीज़ें थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बचपन से वो कर रहे तो उनके लिए कुछ ऐसा नया या स्पार्क या वो हंगर या वो सब नहीं रहता है. उनको लगता है ये तो हाँ हम वही कर ही रहे, तो वो
करते रहना दे गेट टायर्ड या फॉर श्योर लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन आल्सो बट या मेक्स लाइक आई हैव सीन सच आर्टिस्ट्स एंड आई हैव सीन आर्टिस्ट्स हु कांट डू एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग या सो वो लोग बहुत एक उनके लिए नॉर्मलाइज हां नॉर्मलाइज है हो जाता है एग्जैक्टली ओके वी एंडेड ऑन अ गुड नोट्स आई एम वेरी हैप्पी विद योर आंसर्स गुड ताली बजा लो खुद के लिए आई विल डिसाइड Okay, ladies and gentlemen, a person who has done exemplarily well on our show is. Thank you. Of course, like she has to win because usne bahut talents dikha diye. What did you show? Honesty. she had to win, yaar. She made oh, so many. टुडे आई एम सो हैप्पी मैं भगवान का थैंक यू करना चाहती हूँ आई वुड लाइक टू थैंक गॉड तन्वी का करो जो वो इतनी बायस हुई है पहली भगवान पहली भगवान फिर माता पिता फिर तन्वी थैंक यू मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आई वुड लाइक टू थैंक गॉड माय पेरेंट्स तन्वी द स्वीट हार्ट यू ऑल्सो फॉर लूजिंग एंड गिविंग वेरी बैड आंसर दिखा भी देते मैं तब भी जीतती मैं चाह रहा था बाथरूम में जाके लेकिन बाथरूम में एक चीज है ऑडियंस को भी पता चले हमारे बाथरूम में एक कंफर्टेबली साइज मिरर है इतना बड़ा मिरर रखा इतना शक्ल दिख जाती है अंदर जाके शक्ल दिख जाती है थोड़ा पहले लेफ्ट होता हूँ आधा पार्ट देखता हूँ फिर राइट होता हूँ फिर ऊपर और फिर नीचे से चार राउंड मारता हूँ You guys, we have good mirrors. Production. We have to up our game in mirrors. मेरे shoes देखना था तो वो mirror से ही देखा. Shut up. Can we have the hamper, please? My God, really? This is like so sweet, yeah. It is, and everything is like very yum, and it'll do good to your tum. कितने गलत हैं. Okay. ये मैं भी deserve करता हूँ. ये गलत है. कि दिया ना तुमको. तो फिर नहीं देने का उसे लिए तुमने नहीं बट एक्चुअली या शी डिजर्व्ड इट या फॉर श्योर थैंक यू दिस इज फ्रॉम रैपर स्माइल एंड फ्रॉम अस ऑफ कोर्स आई होप इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ स्माइल्स टू योर फेसेस योर फैमिली फेसेस ये कल हम शेयर करेंगे ये चल कर करेंगे गुड हां Thank you so much for coming, you guys. It was lovely, and I finally feel complete. Ki tose nena mila ki I know these guys fully, deeply, truly. And all the best for your show. Do well, and you get all the success that you deserve and want. Thank you. I would also like to add on to that, Tanvi. You know, you made us feel so comfortable. मुझे यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा और you know not just you. आपके साथ साथ यहाँ पे जितने भी crew हैं, सब members हैं. Everybody, you know, when I entered, सबके चेहरों पे एक smile थी. और मेरे ख्याल से जो actor यहाँ पे आता है, बहुत ही comfortable यहाँ की energy और vibe बहुत amazing है. इसके भी चेहरे पे smile थी. Boopi. Boopi के चेहरे पे भी smile थी. हाँ. तो सब यहाँ पे यू नो स्माइलिंग फेस वाले हैं और बहुत मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके मतलब ऐसा लगा हम लोग कब से शूटिंग कर रहे हैं पूरा दिन से लेकिन यहाँ पे ना ऐसा लगा कि सारा स्ट्रेस सारा टेंशन यू नो सब चला गया हम रिलैक्स होके हंसी खेल मजाक करके यू नो अच्छे से टाइम स्पेंड करके वी गोइंग बैक होम सो थैंक्स अ लॉट थैंक यू सो मच फॉर सेइंग इट थैंक यू सो ताली बजाओ खुद के लिए And yeah, we're definitely best with the best crew. And I think actually the what you said about the energy is really, really pure. And we really want to make the best of our day and the challenge that we have, especially this boy. Thank you so much. Thank you so much, guys, for watching. And yeah. See you. Arey, arey, mera last bite bacha hua hai. Thank you so much. Watching, loving, keep watching. Tose Naina Milaike every day, you guys. At what time? 9 p.m. Monday to Sunday only on Dangal TV. And remember to add spice in your life. Little is great. Too much will cause tummy problems. We don't want that, do we? Not at all. Not at all. See you next week. Love you. Bye. Love you. We'll be right back.
टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।